गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों एक गाड़ी खुली हुई है, दो महीने पहले इसका इंजन का काम हुआ था, ये फिर से धुआं मार रही है, फिर से दो महीना में ही धुआं मार रही है। तो इसका ब्लॉक वगैरह सब सही है, देख रहे हैं ब्लॉक वगैरह में स्क्रैच वगैरह कुछ भी नहीं है और खाया हुआ भी नहीं है। वाल इसका गाइड से आ रहा था, हालांकि पिस्टन मैंने खोल दिया क्योंकि रिंग वगैरह पूरा घिस गया था। इसका ये बड़ा वाला जो गाइड है, गाइड से आ रहा, तो इसका हम गाइड चेंज करवाएंगे बड़ा वाला, और ग्राइंडिंग करवाएंगे, वाल चेंज नहीं करवाएंगे। वाल सही है, वाल को सिर्फ ग्राइंडिंग करवाएंगे, साफ करवा कर ग्राइंडिंग करवाएंगे और इसे फिटिंग करवाएंगे। ग्राइंडिंग करना चल जाएगा ये वाला, और इसमें रिंग डालने से भी चल जाए। ब्लॉक भी सही है और हेड भी सही है, सिर्फ गाइड एक मिसिंग है, सिर्फ बड़ा वाला गाइड चेंज करेंगे। मतलब जो खर्च है वही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना इसके, और गाइड चेंज करवाने लेथ मशीन। बाकी ब्लॉक यहीं रहने देते हैं, रिंग लेकर आएंगे तो लगा देंगे। रिंग ले लिए हैं 75 का बोर किया हुआ था, तो जिनका बाइक था वो कहीं काम करवाए थे दो महीना पहले, तो इतने जल्दी इतना खर्चा करना उनके पास में नहीं था, उन्होंने कहा कुछ दिन पहले ही खर्च किया था। तो मैं रिंग डालूंगा फिर से 75 का रिंग, और वाल में कुछ नहीं किया, सिर्फ ग्राइंडिंग किया और गाइड चेंज किया उसका, बस हेड रखा हुआ डिक्की में हाँ, और ये रिंग एक जगह रुके हुए हैं मंचूरियन लेने के लिए। यहाँ पीछे एक लड़का दुकान में काम करता है, उसका ऑर्डर है मंचूरियन लाने का, संजीत, तो वही बनवा रहे हैं। 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट में निकल जाएंगे। वहाँ पे जा रहे गाड़ी एक डिलीवर पे निकला 11:30 बजे रात को, और ये स्प्लेंडर में सारा चीज़ लग रहा, खुल के हटा दिया गया था, बाकी सारा वाइजर वगैरह सब रखा हुआ वहाँ पे, देख रहे वाइजर मडगार्ड इंडिकेटर वगैरह सब, इंजन वगैरह बना है इसका, बाकी सारा बॉडी का पार्ट लग रहा, और वो डिस्कवर जिसमें रिंग डाले हम, जिसका हेड का काम कराए ना, वो डिस्कवर 100cc, और एक 100T का CDI उड़ गया, इसमें भी रिंग डला रहा है पैसन प्रो, ये भी हल्का स्मोक कर रहे थे, इसका CDI उड़ गया, 100T का CDI उड़ गया ये वाला। तो ये गाड़ी देकर सुबह में ड्यूटी जाना है ना, तो उन्हें गाड़ी देकर आते हैं, उसके बाद अपनी गाड़ी से जाएंगे, ये गाड़ी डिलीवर देकर वो गाड़ी चले जाएंगे, गाड़ी खड़ा ही कर देंगे। बाकी अब निकलेंगे, थोड़ा होली में ज़्यादा थकान हो गया ना, तो रोज़ रोज़ अजीब टाइप का लग रहा है, अब दो लड़के भी कम हैं इसलिए काम जा कम खिंचा रहा थोड़ा, दो हम लोग दो हैं दो नहीं हैं। पहले गाड़ी देकर आते हैं, उसके बाद सब सामान वगैरह अंदर होगा। दूसरा गाड़ी घुसा देना ठीक, हीरो और कौन है, दूसरा गाड़ी था हीरो स्प्लेंडर घुसा देना जिसका सस्पेंशन लगा, बाकी तो सब यहाँ आ ही जाएगा। चलिए विनोद भैया, जा रहे विनोद भैया को लेकर, तब तक गाड़ी वगैरह अंदर होगा ना यहाँ पे। आते गाड़ी देखो, इतना डब्बा दिख रहा है आपको, इतना इंजन वाला सिर्फ आज चेंज हुआ, सोचिए लीड प्लेट खराब हो गया, झड़झड़ झड़झड़ करता है, दूसरा लीड प्लेट लगाएंगे इसमें। चेंज कर लेते हैं, उधर का मेन रोड बंद है, तो इस रूट में इतना गाड़ी चल रहा है ना कि मत पूछिए, ये मेन रोड नहीं है, ये बाईपास रोड है, तो इस रूट में बहुत ज़्यादा गाड़ी चल रही है, मेन रोड बंद हो गया तो इस रूट में बहुत ज़्यादा गाड़ी चल रही है, रांची वाला रोड वाला सारा इसी रूट में चल रही है गाड़ी। प्लेट चेंज हो गया, अभी आवाज नहीं करेगा,
ठीक है, दोनों गाड़ी अंदर हो गया, बाकी ये तीन तीन गाड़ी चार गाड़ी भी रहेगा अंदर में है। बहुत सारा ट्रक वगैरह आ रहा है। ये सी डी आई उड़ गया 1100 1206 पार्ट नंबर है इसका, कल लाना पड़ेगा मुझे। ठीक है दोस्तों, सारा हिसाब वगैरह करता हूँ, बाकी सारा गाड़ी वगैरह अंदर होगा, मिलते हैं कल। आज हम लोग को मूवी देखने जाना था लेकिन नहीं जा पाए, कश्मीर फाइल्स दोस्त लोग के साथ। चार दिन से प्रोग्राम ही बन रहा, होली के एक दिन पहले एक दोस्त लेट कर दिया, होली के दूसरा दिन दूसरा दोस्त लेट कर दिया, तीसरा दिन मेरा काम था, चौथा दिन भी काम था, तो कल का प्रोग्राम फिक्स हुआ है, देखते हैं कल जा पाते हैं या नहीं। सुना है बहुत अच्छी फिल्म है, अब देखूंगा तभी पता चलेगा ना, तो हो सकता है कि कल जाएं, मन तो है जाने का, देखते हैं टाइम निकालते हैं, देखते हैं जाऊंगा तो मैं बताऊंगा कैसा फिल्म है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल, बाय।